हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे पास CA888 मॉड्यूल है। इसको SMPS में कैसे लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें देखिए, पहले ये IC लगी हुई है DM0465R, और इसमें 5 वायर निकली हुई है। और ये कौन सी वायर कहाँ लगानी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जो हमारा येलो वायर है वो हमारे ड्रेन पिन के साथ कनेक्ट होगा, और इसके बाद जो हमारा ब्लैक वायर है वो हमारे जो फिल्टर कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट पर कनेक्ट होगा। फिर हमारे ये हमारा रेड वायर है, रेड वायर हमारा जो पुरानी IC की VCC थी वहाँ पर कनेक्ट होगा। और ये वाइट वायर हमारा ऑप्टो कपलर की फोर्थ पिन के साथ कनेक्ट होगा, जो हमारे फीडबैक के लिए पिन होती है उसके साथ कनेक्ट होगा। और ये हमारा ग्रीन वायर फिल्टर कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो मैंने पहले से ही एक ऐसा CA888 मॉड्यूल हीट सिंक के साथ फिट करके रखा हुआ है, और मेरे पास ये SMPS है, देख सकते हैं उसकी। इसकी मैंने पुरानी IC निकाल दी है। मैं इसको पीछे से भी दिखा देता हूँ। देखिए, निकाल दिए। अभी ये जो हमारा मॉड्यूल है वो कहाँ कहाँ कनेक्ट करवाना है, तो मैंने थियोरिकल तो बता दिया, पर अभी प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूँ। तो ये देखो, हमारे ये फिल्टर कैपेसिटर है, इसका ये पिन हमारी नेगेटिव है और ये हमारी पॉजिटिव है। तो नेगेटिव के साथ हमारा ब्लैक कनेक्ट होगा। तो मैं ब्लैक कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये हमारा कनेक्ट हो गया है। और ये जो हमारा ग्रीन है वो फिल्टर कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा, तो वो भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अभी मैं थोड़ा लूज कनेक्ट करता हूँ आपको दिखाने के लिए, फिर वो मेरी तरह से मैं अच्छे से कनेक्ट कर दूँगा। उसके बाद जो हमारा वाइट वायर है वो हमारे फीडबैक पिन के साथ कनेक्ट होगा। तो देखिए, हमारी यहाँ एक डॉट है, आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमारी ये 1 2 3 4 जो चौथी पिन है हमारी, उस तरफ से देखिए, 1 2 3 और 4, तो ये हमारी चौथी पिन है जो हमारी पुरानी IC के फीडबैक के साथ कनेक्ट हो रही थी। तो हमारा वाइट वायर हम वहाँ फीडबैक के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो फीडबैक के साथ कनेक्ट हो गया है। उसके बाद हमारा येलो वायर हमारे ड्रेन के साथ कनेक्ट होगा। तो देखिए, यहाँ एक कनेक्टर था, मैंने निकाल दिया है यहाँ से, एक मिनट में दिखाओ। यहाँ एक कनेक्टर था, मैंने वो निकाल दिया है, और डायरेक्ट यहाँ हमारा जो ड्रेन वायर है, ड्रेन पिन है, उसके साथ मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो ड्रेन के साथ कनेक्ट हो गया। अब हमारा लास्ट बचा है रेड वायर। रेड वायर हमारा IC के VCC के साथ कनेक्ट होगा। तो देखिए, ये आ रही हमारा पावर मेन, ये हमारा कैपेसिटर का पॉजिटिव है। पॉजिटिव के साथ 2 220 किलो ओम के रेजिस्टर लगे हुए, और उसके साथ हमारा ये हमारा VCC लगेगा। देखिए, मैंने हमारा VCC भी लगा दिया है। एक बार मैं फिर से आपको नज़दीक से थोड़ा कैमरा लगा के समझा देता हूँ। ये जो हमारा ब्लैक वायर है वो फिल्टर कैपेसिटर के नेगेटिव पिन के साथ कनेक्ट है। ये हमारा ग्रीन वायर है वो हमारे फिल्टर कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है। ये हमारा येलो वायर है, ये हमारे ड्रेन के साथ कनेक्ट है। ये हमारा रेड वायर जो VCC डायरेक्ट पॉजिटिव, जो हमारा पॉजिटिव पिन है उसके साथ ये यहाँ आती है। यहाँ 2 220 किलो ओम के रजिस्टर लगे हुए, और यहाँ हमारा VCC मिलता है। तो हमने रेड वायर VCC से कनेक्ट कर दिया है, और ये वाइट वायर हमारा ऑप्टो कपलर के चौथी पिन, मतलब 1 2 3, इस तरफ से 1 2 3 4, तो ये हमारी चौथी पिन के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है फीडबैक। अभी हम देखते हैं कि हमारे ये जो लगाया हुआ है वो सक्सेस हुआ है या नहीं। तो देखिए, हमारा सक्सेस ही होगा, क्योंकि इस फील्ड में मेरा बहुत एक्सपीरियंस है। तो एक मिनट, मैं आपको प्लग लगा देता हूँ। देखिए, हमारा
एसएमपी इस चालू हो गया है, और इसके मैं वोल्टेज भी दिखा देता हूँ क्योंकि ये जो मॉड्यूल है बहुत सक्सेस मॉड्यूल है। और मैं एक भी तरफ मैं देखिए, ये मेरा मल्टीमीटर है। अगर आपको इस मल्टीमीटर का रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसका रिव्यू ज़रूर दूंगा। और रिव्यू देने के बाद आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि ये मल्टीमीटर आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं एक बार वोल्टेज दिखा देता हूँ, देखिए थोड़ा अप डाउन हो रहा है पर हमारा मॉड्यूल अच्छे से काम कर रहा है। देखिए, और इस तरह से आप ये CA888 मॉड्यूल है इसको यूज कर सकते हैं। और आपको ये लगाने में कुछ भी परेशानी हो रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और ये वीडियो में बस इतना ही, आपको अगर और नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हमें बताने में मेरी पूरी कोशिश करूँगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।